हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रौतेला फैमिली व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितनी तेज यहाँ पर बारिश आ रही है। तो हमने आज प्लान बनाया था कि आज कहीं घूमने जाया जाए और हम घर से निकल गए। इस टाइम थोड़ा क्लाउडी का मौसम था, लेकिन अभी अचानक से तेज बारिश आने लगी। तो हम एक जगह खड़े हैं और उसके बाद हम मेट्रो से जाएंगे। तो थोड़ी देर वेट कर रहे हैं ताकि बारिश थोड़ा हल्की हो जाए। बारिश अभी कम होने के बजाय और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। आज का सीन क्या होने वाला है अब ये बारिश पे डिपेंड करता है। अगर बारिश रुक गई तब हम जाएंगे, अदरवाइज हम घर वापस चले जाएंगे। हाय, आप कहाँ जा रहे हो आज? आज मैं ट्रेन में जा रही हूँ, लेकिन बारिश आ गई, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेन गाना पड़ेगा। रेन रेन गाना पड़ेगा। हाँ। चलो गाओ फिर। आज है सैटरडे और अभी बज गए हैं शाम के 5। वैसे आज दिन में तो धूप ही थी, तो उस टाइम हम थोड़ा हमारा पेपर वर्क था वो हम कराने चले गए थे। फिर अभी शाम में लंच के बाद जब हमने घूमने का प्लान बनाया तो उस टाइम मौसम ठीक था, लेकिन हमने वेदर फोरकास्ट पे ध्यान नहीं दिया। बताया हुआ था कि आज और कल जो है दोनों दिन बारिश है। अब देखते हैं, बारिश रुक गई है, अब जाते हैं हम मेट्रो से जहाँ हमने जाने का प्लान बनाया, और आपको आगे बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी देर हमने वेट किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20 मिनट से हम यहाँ पर खड़े थे, और अब बारिश रुक गई है तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और वेट कर रहे हैं अपना मेट्रो का। मेट्रो आने वाली है 1 मिनट। चलो, तो मेट्रो हमारी आ गई है और बैठते हैं। हम मेट्रो से आ चुके हैं, मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं और हमें लेनी है अब एक बस। उसके बाद हम 15 से 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और मौसम देख सकते हो आप कितनी जल्दी यहाँ पे चेंज हो जाता है। अभी तक इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब इतना तेज़ धूप है। यहाँ की मेट्रो और ट्रेन तो हम आपको दिखा चुके हैं कैसी हैं, और अब हम दिखाएंगे आज आपको यहाँ की बस कैसी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो एकदम वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छा है। ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको बस भी मिल जाती है। तो आज दिखाते हैं आपको यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो चलिए हमारे साथ। जैसे मेट्रो में डिस्प्ले लगा रहता है, सेम उसी तरह यहाँ पर बस में भी ये डिस्प्ले लगा होता है जिसमें आप स्टेशन को देख सकते हो। हर एक सीट के आगे स्टॉप का ये बटन लगा रहता है। जिस भी स्टेशन पे आपको उतरना होता है वहाँ पर आप ये स्टॉप का बटन प्रेस कर सकते हो। वैसे हर एक स्टेशन पे कुछ देर के लिए बस रुकती है। बस में ज्यादा अच्छा लगता है आपको या ट्रेन में? बस से अब हम उतर गए हैं और चलते जा रहे हैं, थोड़ा पैदल चलना है। तो हमने दिखाई आपको यहाँ की बस भी आज, तो बताइएगा कैसी लगी यहाँ की बस। यहाँ पर ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, ये रोड के बीचों बीच में ट्रैक बना है, सामने से ट्रैम आ रही है, इसके लिए बना है, छोटी ट्रेन टाइप की है। इस तरह की साइकिल भी यहाँ पर साइट सीइंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। 5-6 लोग बैठ के आराम से साइकिल को चलाते हैं और साइट सीइंग करते हैं अपना। फाइनली हम 40-45 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद ट्रेन और बस से पहुंच गए आज की हमारी डेस्टिनेशन में, जो कि है द मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप। तो हाँ, इतना बड़ा नाम है इसका आज की डेस्टिनेशन का, और इसको होलोकॉस्ट मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे।
इस मेमोरियल में टोटल 2711 कॉन्क्रीट ब्लॉक्स हैं और आप देख सकते हो हर एक जो ब्लॉक है वो अलग अलग हाइट का है, कोई भी ब्लॉक सेम हाइट का नहीं है। तो रात में ये और ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये लाइट्स हैं तो पूरे एरिया में जब ये लाइट्स जलती हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये रात के टाइम पे। और पूरा जो है ना ये फ्री अप स्पेस है तो कहीं से भी आप जा करके कहीं भी निकल सकते हो। मिस्सी यहाँ पे कलेक्ट कर रही है सूट के ठीट जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में ये नहीं मिलते। और मिस्सी इनको बता रही है फ्लावर्स को बोलते हैं ठीट। ठीट क्या बोलते हैं? ठीट। तो अब मिस्सी भी सीख गई है क्या बोलते हैं पाली भाषा में इसको? ठीट। इसका जो सरफेस है एकदम अनइवन है, वो कहीं स्लोप नज़र आएगा और कहीं एकदम फ्लैट से सरफेस है। तो जैसे ब्लॉक्स हैं अलग अलग हाइट के वैसा ही जो सरफेस है वो एकदम अनइवन है। आप भी खा लीजिए हमारे साथ स्नैक्स। जिस कैमरे से मैं ब्लॉग शूट कर रही थी उसकी बैटरी हो चुकी है डेड और इस वजह से मुझे अभी फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है, तो हो सकता है लास्ट के पार्ट में वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो उसके लिए सॉरी। और कैसा लगा आपको ये जगह और आज का हमारा ब्लॉग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम जर्मनी की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलो तो आज के ब्लॉग को करते हैं आप ख़त्म और चलते हैं हम घर की ओर। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय। इसी से बाय बाय। घूमोगे? बाय करो। बाय। भूख लग गई है तो चलो अब हम कुछ खा लेते हैं। बाय बाय।